हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्ट्रक्चर रिलेटेड सारे स्टेप्स। अगर हमको कोई एक स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट करना है, एक स्ट्रक्चर को बनाना है, तो उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या सब प्रोसीजर को फॉलो करना है, वो सारे प्रोसीजर हम आज आपको बताने वाले हैं। तो सपोज़ एक हमारे पास जो है ड्राइंग है, अभी आपको जो दिख रहा होगा ये ड्राइंग है एक बॉक्स टाइप कलवर्ट का। बॉक्स टाइप कलवर्ट है ये, इस कलवर्ट को एग्जीक्यूट करना है, इस कलवर्ट को साइड पे बनाना है। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर इंजीनियर को क्या सब चीज़ें ध्यान में रखना है और क्या सब प्रोसीजर को फॉलो करना है, किन स्टेपों का फॉलो करना है, वो सारे चीज़ हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप सब वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले कोई भी स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट करना है तो अपने को उसका ड्राइंग को रीड करना पड़ेगा। ड्राइंग रीड करने के लिए सबसे स्टार्टिंग है उस ड्राइंग का चेनेज, और वो जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर का टाइप और एक उसका ओवरऑल डायमेंशन होता है, वो चीज़ को पता करना है। तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ड्राइंग के जो पेज होते हैं, ड्राइंग का कोई भी पेज के राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे इसका जो है ड्राइंग का डिटेल दिया है कि ये ड्राइंग क्या चीज़ का है, किस चेनेज पे है, स्पान क्या है, वो सारे यहाँ पे डिटेल दिया गया है। तो इस डिटेल को देखते हुए आपको समझ में आ गया कि ये इसका स्पान जो है 1x4x3 है और इसका चेनेज दे दिया गया है 13+5=17। तो आपके जो प्रोजेक्ट होंगे, जो भी साइट होगा, उस साइट पे ये समझ में आ जाएगा कि 13+5=17 जो चेनेज है वहाँ पे इस स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना है। और इस स्ट्रक्चर का जो साइज़ है वो 1x4x3 है। ये बॉक्स टाइप कलवर्ट है तो ये 1x3x4 इसका डायमेंशन ऐसे ही आता है। तो इसका डायमेंशन का मतलब समझते हैं कि 1x3x4 का मतलब क्या हो गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, 1x3x4 जो है, ये जो व्यू यहाँ पे दिया गया है इससे क्लियर हो जाएगा 1x3x4 का मतलब क्या होता है। वन मतलब होता है नंबर ऑफ सेल, जो कि ये आपको एक सेल का बॉक्स दिख रहा है, तो ये हो गया 1x3 था। अब ये 3 देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि इसका जो हाइट है ये 3 बता रहा है, तो मतलब हाइट हो गया नंबर इंटू हाइट इंटू 4। ये आप इसका विड्थ दिख रहे होंगे, यहाँ पे 4 दिख रहा है जो कि विड्थ है। तो इस हिसाब से ये 1x3x4 का ये बॉक्स स्ट्रक्चर बोला जाता है इसको, सॉरी 1x4x3। 1 मतलब अपना बॉक्स का नंबर ऑफ सेल हो गया, 4 मतलब विड्थ हो गया, और 3 मतलब हाइट हो गया। तो ऐसे करके आपको चेनेज और इस बॉक्स का जो डायमेंशन है वो क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो हमको देखना रहता है वो देखना रहेगा ड्राइंग में उसका प्लान और उसका एलिवेशन। तो प्लान का जो पार्ट है वो ये है, यहाँ पे लिखा है आपको पहले से, ये जो दिखा रहा है ये ड्राइंग जो ये पूरा दिखा रहा है ये पूरा प्लान है। इस प्लान के ऊपर जो रहता है ये इसका एलिवेशन रहता है, ये जो पार्ट है ये पार्ट इसका एलिवेशन है, या इसमें सेक्शन 1-1 लिखा है। तो ये सेक्शन 1-1 का मतलब ये देख सकते हैं कि अगर हम इस डायरेक्शन में इसको कट कर रहे हैं और इधर की तरफ देखेंगे, यहाँ खड़ा होके इधर की तरफ देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा। ये जो ऐसा एरो रहता है ना यहाँ पे, जो ये 1 और ये एरो दिया है, इसका मतलब है कि आप यहाँ खड़े होंगे और इधर की तरफ देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा। ये ऊपर में आपको दिखा रहा है ये 1-1, जो ये 1-1 है, सेक्शन 1-1 जो यहाँ पर दिख रहा है, ये जो सेक्शन 1-1 दिख रहा है ये ऐसा दिखेगा। तो ये इसका सेक्शन हो गया। तो ये सारे जो भी यहाँ पे चीज़ें दिए हैं सबको कम्बाइंड करके, ये सबको एक दूसरे को देख के समझ के जो है ये ड्राइंग को आप समझ सकते हैं। और इससे भी पहले जो रहता है अपने को जो काम करना है वो जो ये नोट्स दिया गया है,
इस नोट्स में बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो अपने लिए यूज़फुल है। ये नोट्स को पढ़ के फिर इस नोट्स को इम्प्लीमेंट करना रहता है अपने को एग्जीक्यूशन के टाइम पे। तो इस नोट्स को भी एक बार गो थ्रू हो जाते हैं कि यहाँ पे पहले दिया है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, RCC बॉक्स कलवर्ट, जो कि हमने आपको पहले बता दिया है। क्लियर विड्थ ऑफ द कलवर्ट, विड्थ ऑफ द कलवर्ट मतलब कलवर्ट का विड्थ कितना है, तो 12 मीटर चौड़ाई। चौड़ाई मतलब ये हो गया, ये जो भी यहाँ पे दिख रहा है ना, ये विड्थ है, ये विड्थ है, और यहाँ पे दिख भी रहा है ये 12 मीटर, तो इसका ये विड्थ हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि फॉर्मेशन लेवल, फॉर्मेशन लेवल जिसको FRL बोलते हैं, वो इसका फॉर्मेशन फॉर्मेशन लेवल दिया है। फॉर्मेशन लेवल 318.799 जो इसका FRL है, जो इसका टॉप स्लैब होगा, जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया गया है, यहाँ पे टॉप स्लैब जो है उसका लेवल क्या आना चाहिए वो यहाँ पे दिया है। कैरिज वे जो है 11900 दिया है, ठीक है। टाइप ऑफ फाउंडेशन जो है ओपेन फाउंडेशन है इसका। उसके बाद है फाउंडेशन स्ट्राटा जो है SBC, जो स्वेलिंग स्वेल बैरिंग कैपेसिटी जो है, ये जहाँ पे बॉक्स बन रहा है वहाँ का जो स्वेल बैरिंग कैपेसिटी है 15 टन पर स्क्वायर मीटर जो है इसका स्वेल बैरिंग कैपेसिटी है। टाइप ऑफ पैरापिट, पैरापिट मतलब होता है RCC रेलिंग का, यहाँ पे पैरापिट बोला जा रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पैरापिट इसको बोलते हैं, क्रैश बैरियर भी बोला जाता है, लेकिन क्रैश बैरियर जो रहता है वो उसका सेप साइज़ अलग होता है। यहाँ पे ये पैरापिट जो अपने को RCC रेलिंग प्रोवाइड करना है, रेलिंग टाइप प्रोवाइड करना है। उसके बाद टाइप ऑफ बैरिंग कोट जो है टार प्रिपेयर बैरिंग कोट, मतलब टार मतलब ये ब्यूटीमिनियस बैरिंग कोट का बात कर रहा है। उसके बाद जो है टाइप ऑफ बेयरिंग, उसके बाद वेयरिंग कोट जो है 75 mm वेयरिंग कोट है इसमें, M30 का यूज़ होना है। उसके बाद एक्सपांसन जॉइंट जो है इसमें एज़ पर स्टैंडर्ड ड्राइंग नंबर SD 103 ऑफ मोस्ट MOST जो है, जैसे हमारा रोड में MORTH मोर्थ होता है, वैसे इसमें MOST होता है, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्टेशन, उसका जो स्टैंडर्ड ड्राइंग है 103, उसको फॉलो करना है एक्सपेंशन जॉइंट के लिए। हम आपको स्टैंडर्ड ड्राइंग भी दिखा देंगे, स्टैंडर्ड ड्राइंग का भी PDF शेयर करेंगे आपके साथ, उसमें आपको दिख जाएगा क्या रहता है स्टैंडर्ड ड्राइंग में। तो स्टैंडर्ड ड्राइंग 103 जो है उससे एक्सपेंशन जॉइंट को वहाँ से फॉलो करना है अपने को। उसके बाद डिज़ाइन लोड जो है इसमें लोड का जो टेस्टिंग है, 1 lane ऑफ IRC क्लास 70R लोडिंग विथ 1 lane ऑफ IRC क्लास A लोडिंग और 3 lane ऑफ IRC क्लास A लोडिंग विच एवर प्रोड्यूस सर्विस इफेक्ट। तो ये सारे जो है लोडिंग इसमें डिज़ाइन लोड इसको रखते हुए कैलकुलेट किया गया है। उसके बाद फॉर्मेशन लेवल, सॉफिट लेवल एंड फाउंडेशन लेवल ETC इंडिकेट्स इन दिस ड्राइंग करस्पॉन्डेंस टू एज्यूम TVM विच सेल बी को रिलेटेड विथ ड्राइंग स्वइंग रिलेटेड हाईवे प्रोफाइल इंक्लूडिंग GL RTL चेनेज ETC इन टर्म ऑफ GTS फॉर एग्जीक्यूशन। अब देखिए इसमें जो बोला गया है कि इसमें जो भी लेवल दिया गया है, फॉर्मेशन लेवल, सॉफिट लेवल, सॉफिट लेवल क्या होता है कि स्लैब बॉटम, स्लैब का जो बॉटम पार्ट होता है उसको सॉफिट लेवल बोलते हैं। ये जो आपको यहाँ पे ये स्लैब दिख रहा है, ये स्लैब है, ये स्लैब का जो बॉटम है ना, ये जो 318.274 ये इसका सॉफिट लेवल बोला जाएगा। उसके बाद और इसमें क्या दिया है, फाउंडेशन लेवल, फाउंडेशन लेवल ये है इसका जहाँ पे PCC करना है अपने को, इसको अपन फाउंडेशन बोलेंगे। उसके बाद और क्या था, फाउंडेशन लेवल ETC इंडिकेटेड इन दिस ड्राइंग करस्पॉन्ड्स टू एज्यूम TVM, जो वहाँ पे TVM था उस TVM के अकॉर्डिंग वो दिया गया है, और एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी आपको उसी से फॉलो करना है। और इसमें एक GL और RTL दिया गया है, इसका भी मतलब बताते, GL ग्राउंड लेवल है और RTL जो है रोड टॉप लेवल है, ठीक है। साइड स्लोप ऑफ रोड एम्बैकमेंट नियर एबटमेंट सेल बी प्रोवाइडेड विथ 303 स्टोन रिबिटमेंट एंड 150 thick फिल्टर मीडिया कन्फर्मिंग द क्लॉज 2500 and 2504 ऑफ मोर्थ स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इस स्लाइड स्लोप के जगह पे अपने को वहाँ पे स्टोन पीचिंग करना रहता है, वो बताया गया है। ऑल डायमेंशंस आर इन MM एंड RL इन मीटर,
अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। जो भी डायमेंशन है वो सारे एमएम में है, और जो आरएल दिए गए हैं रिड्यूस लेवल, जो ये लेवल सब दिया गया अभी दिखाए हैं सारे, जो 318.274 जो भी लेवल्स दिए हैं वो मीटर में है, और अगर कहीं पे ऐसे स्पेसिफाइड है तो उसको उस हिसाब से देखना है। उसके बाद 105 पीवीसी वी फोल सेल बी प्रोवाइडेड एट द रेट 1 मीटर सेंटर टू सेंटर इन एलिवेशन इन द अबटमेंट वॉल। वी फोल सेल स्टार्टेड 0.5 मीटर अबव द एग्जिस्टिंग बेड लेवल इन फ्रंट। कंक्रीट ग्रेड शुड बी M30 फाउंडेशन सुपरस्ट्रक्चर सबस्ट्रक्चर। इसमें तीनों ही, जो फाउंडेशन में भी M30 लगना है, सबस्ट्रक्चर में भी M30 लगना है, और सुपरस्ट्रक्चर में भी M30 लगना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ जो है, एक फाउंडेशन सबस्ट्रक्चर और सुपरस्ट्रक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको भी क्लियर करते हैं क्या होता है। इसको क्लियर करने के लिए अपन ये ड्राइंग पे अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे सारा क्लियर हो जाएगा। तो फाउंडेशन सुपर स्ट्रक्चर और ये तीनों चीज़ को क्लियर करना है। तो ये देखिए, ये ऐसे तीन लाइन में सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। इसके नीचे को फाउंडेशन बोलेंगे, ये जो है ये बीच वाले पार्ट को सब स्ट्रक्चर बोलेंगे, और इससे ऊपर वाले जो भी पार्ट है इसको सुपर स्ट्रक्चर बोलेंगे। मतलब फाउंडेशन मतलब जो राफ्ट रहता है, वो राफ्ट के जो अप टू राफ्ट जो है वो हो जाएगा आपका फाउंडेशन। राफ्ट के बाद वॉल जो है बॉटम स्लैब तक, सॉफिट लेवल तक जो है उसको सब स्ट्रक्चर बोलेंगे, और उसके ऊपर, और उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर जो है अपना सॉफिट लेवल मतलब स्लैब, और स्लैब के ऊपर जो अपना रेलिंग वगैरह है ये सारे सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं। तो ऐसे करके कोई भी स्ट्रक्चर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया रहता है, फाउंडेशन सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक स्ट्रक्चर में आपको ये देखने को मिलेगा। इसके बाद अब इसमें देखते हैं कि अब अपन ने इसमें पढ़ लिया सारा, जो भी इसमें अपने को मेन पॉइंट्स पढ़ने थे ये सारे इसमें पढ़ लिए। उसके बाद ये जो है बोर्ड लॉक डिटेल रहता है। बोर्ड लॉक डिटेल मतलब जो वहाँ पे जब इसका जो इसका जो सोयल इन्वेस्टिगेशन होता है तो उस वहाँ पे जो है बोर लॉक किया जाता है, और उसका जो नीचे का जो स्ट्राटा है, और स्ट्राटा में जो है कैसा सोयल है वो सोयल को टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये टेस्टिंग रिपोर्ट है ना। अब ये सारा चीज़ समझ जाने के बाद अब हम आपको बताते हैं कि एग्जीक्यूशन प्रोसेस में एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो है अपने को जहाँ पे ये बनना है ये, और जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कैसे जगह पे बनता है, जहाँ पे गैप है या कोई पानी फ्लो हो रहा है, रिवर फ्लो हो रहा है, कुछ ऐसा जगह है वहीं पे स्ट्रक्चर बनता है, वहीं पे बॉक्स कलवर्ट बनता है। तो सबसे पहले तो या तो वहाँ पे कोई पुराना स्ट्रक्चर है तो उस स्ट्रक्चर को पहले डिसमेंटल करके हटाना पड़ेगा, जो इसका स्पेस है वो स्पेस क्रिएट करना होगा। वहाँ के जो रोड है A1 साइड और A2 साइड, एक चीज़ और बता दे, A1 साइड और A2 साइड क्या होता है ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखना रहता है। A1 साइड और A2 साइड, A1 और A2 साइड जो रहता है, A1 साइड जो है जो अपना जिस साइड से मतलब सपोज 317 इसका क्या बोला है 3+517 इस बॉक्स कलवर्ट का सेंटर बोला गया है। तो 3+517 अगर सेंटर बोला गया है तो जिधर अपना 3+515 जिस साइड चेने जाएगा उस साइड को A1 बोलेंगे, और जिस साइड 3+13+520 आएगा उस साइड को हम A2 साइड बोलेंगे, ठीक है। जिधर चेनेस कम होगा सेंटर से उधर को A1 बोलेंगे, और जिधर के तरफ चेनेस बढ़ेगा उसको हम A2 साइड बोलेंगे, ठीक है। तो पहले डिसमेंटल करने के बाद वहाँ पे जो है बॉक्स का जो है जो सेंटर लाइन है वो सेंटर लाइन मार्क करेंगे, A1 और A2 साइड के जो भी रोड के सेंटर होंगे उन सेंटर को मैच करके वहाँ पे एक रस्सी लाइन डोरी डाल के सेंटर मार्क करेंगे। ये छोटा एग्जीक्यूशन, अगर छोटा बॉक्स है, छोटा काम चल रहा है तो वहाँ पे ऐसे ही करते हैं। अगर नेशनल हाईवे का काम है तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको कोऑर्डिनेट मिल जाता है, तो टोटल स्टेशन से कोऑर्डिनेट मार्क कर लिया जाता है उसका सेंटर, और चारों आउटर को आपको मार्क करके दे दिया जाएगा कि इसका जो है
चारों आउटर ये है और सेंटर जो है आपका बॉक्स का ये है, अब इसके रिस्पेक्ट में आप इसमें एक्सकवेशन का काम करिए, ठीक है ना, वैसा दे देता। अगर अपन को नॉर्मली, अगर अपन नॉर्मल छोटे रोड है जहाँ पे उतना कोऑर्डिनेट से काम नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, रोड का सेंटर जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के A1 साइड और A2 साइड के रोड का जो सेंटर होगा, वो दोनों सेंटर को मिला के एक लाइन डोरी डाल देंगे और लाइन डोरी के बाद चूना मार्किंग कर देंगे, तो उससे हमको अपना जो है सेंटर मिल जाएगा। सेंटर मिल जाने के बाद वहाँ से जो भी इसमें डायमेंशंस दिया गया है, डायमेंशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारे डायमेंशंस है, ये 12 मीटर है, मतलब सेंटर से एक साइड 6 मीटर और दूसरे साइड 6 मीटर, तो ये अपना तो क्या है, ये अपना बॉक्स स्ट्रक्चर का स्पेस हो गया। अब उसके बाद थोड़ा एक मीटर या 500 mm चारों तरफ जो है वर्किंग स्पेस के लिए हम एक्स्ट्रा एक्सकवेशन करते हैं, क्योंकि अपने को थोड़ा सा वर्किंग स्पेस भी चाहिए रहता है, तो उस हिसाब से हम मार्किंग कर लेते हैं, उस हिसाब से लेआउट कर लेते हैं बॉक्स का। अब लेआउट हो जाने के बाद क्या करते हैं कि लेआउट होने से पहले वहाँ पे जो डिसमेंडल्ड होने के बाद उस जगह का लेवल चेक करेंगे, जो भी चारों पॉइंट और बीच का सेंटर जो अपन ने मार्क किया है लेआउट करके, उस चारों पॉइंट और सेंटर का जो है लेवल को रिकॉर्ड करेंगे। और लेवल रिकॉर्ड करने के बाद ये देखना है कि अभी उस पर क्या लेवल आ रहा है और अपने को एक्सकवेशन लेवल कितना है इस बॉक्स कलवर्ट का। तो एक्सकवेशन लेवल निकालने के लिए आपको ड्राइंग ही देखना होगा और ड्राइंग से ही आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सकवेशन लेवल निकालने के लिए यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि ये जो लेवल दिया है, ये जो लेवल दिया है, ये अपने को राफ्ट टॉप का लेवल दिया है 315, मतलब ये बॉटम से 3 मीटर नीचे है, तो मतलब ये अपना बॉटम सॉरी राफ्ट टॉप का दिया है। अपने को क्या करना है, राफ्ट टॉप से नहीं, अपने को राफ्ट टॉप से जितना राफ्ट का थिकनेस है उतना नीचे जाना है, उसके बाद जितना PCC है उतना नीचे जाना है, मतलब राफ्ट का थिकनेस प्लस PCC का थिकनेस, इस लेवल से राफ्ट का थिकनेस प्लस PCC का थिकनेस नीचे जाना है, तो उससे हमको एक्सकवेशन लेवल मिलेगा। तो अब राफ्ट का थिकनेस भी के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, राफ्ट का थिकनेस आपको यहाँ पे इस जगह पे दिया गया है 500 mm, जो है यहाँ पे लिखा है 500 mm आपका जो है राफ्ट का थिकनेस है, और ये 150 mm का M15 का PCC करना है। तो ये PCC को देख के, और यहाँ पे ये राफ्ट में देख सकते हैं कि जो 6 मीटर हमने बोला था, ये जो है अपना, ये 6 मीटर नहीं, ये जैसे कि ये 4 मीटर है और 500 और 500, मतलब यहाँ से यहाँ 5 मीटर का इसका विड्थ आ रहा है, और यहाँ पे ये ऑफसेट भी है 400 का, तो ये 400 400 800 ऑफसेट, और यहाँ पे 100 100 एक्स्ट्रा जो है अपने को 100 100 एक्स्ट्रा जो है PCC करना रहता है। तो इस डायरेक्शन में अपने को कितना एक्सकवेशन करना पड़ेगा, 5 मीटर 6 मीटर, देखिए ये 4 मीटर हो गया और 500 500 5 मीटर हो गया, और 400 400 तो 5.8 हो गया, 100 100 का एक्स्ट्रा PCC, तो 6 मीटर का ये जो है अपने को बॉक्स के लिए एक्सकवेशन करना है और 500 500 एक्स्ट्रा एक्सकवेशन करना है, तो मतलब ये हो गया 7 मीटर का इस डायरेक्शन में एक्सकवेशन करना पड़ेगा। मतलब अपने को A1 और A2 साइड को देखते हुए A1 और A2 साइड के बीच में 7 मीटर का एक्सकवेशन करना है रोड के डायरेक्शन में, जो है ट्रैफिक के डायरेक्शन में अपने को जो है 7 मीटर का एक्सकवेशन करना है, और जो है फ्लो के डायरेक्शन में जो है 12 मीटर का, तो यहाँ पे दिखा रहा है फ्लो के डायरेक्शन में जो है एक्सकवेशन करने के लिए ये 12 मीटर दिखा रहा है, और 500 500 एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब 13 मीटर का अपने को एक्सकवेशन करना होगा। तो मतलब एक्सकवेशन जो करेंगे हम, तो 13x7 का एक्सकवेशन हो जाएगा अपना, ठीक है। तो एक्सकवेशन के लिए अब लेवल्स का हम बता दिए, तो उस हिसाब से आप लेवल अपना OGL क्या आ रहा है और जो अपने को अचीव करना है लेवल, एक्सकवेशन लेवल, वो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अपने को कितना मीटर अभी वहाँ पे एक्सकवेशन करना है वो एक पता चल जाएगा। तो अपन पहले उतने एक्सकवेशन करेंगे और फिर एक बार लेवल चेक करेंगे, और लेवल चेक करने के बाद अगर अपन को लेवल सही मिल रहा है, थोड़ा बहुत 5 से 6 mm का फ़र्क आ रहा है, तो हम एक्सकवेशन रुकवा के उसमें लेवर लगा के अच्छे से उसको ड्रेसिंग करवाया जाता है। ड्रेसिंग करवा के इसमें जो है बॉक्स कलवर्ट में एक चीज़ और क्या होता है कि अपने पास जो है ये शेर की भी उसमें बनाना रहता है, तो जो फ्लो के, जैसे कि ये है अपना
ये साइड हो गया अपना डाउन स्ट्रीम और एक साइड अप स्ट्रीम। जिधर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जिधर है वहाँ पे ये एक जो है अपना शेयर की बनता है, और शेयर की का जो है डायमेंसन अगर आपको चाहिए तो ये भी अलग से दिया गया है। ये डायमेंसन को फॉलो करते हुए शेयर की आपको बनाना होगा, शेयर की के लिए वहाँ पे एक्सकवेशन करना होगा और वो केयरफुली करना पड़ता है, ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, हम आपको दिखा भी देंगे शेयर की का कैसा एक्सकवेशन होने के बाद वो कैसा रहता है। तो यहाँ पे सारे डायमेंशन दिया गया है, इस डायमेंशन को फॉलो करते हुए शेयर की आपको बनाना है। ठीक है, अब इसके बाद जब हमारा एक्सकवेशन अब कंप्लीट हो जाने के बाद हम बेड को जो है अच्छे तरीके से ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग करने के बाद उसमें जो है कंपैक्शन भी थोड़ा बहुत करते हैं, उसमें पानी डाल के उसको बेड को जो है बेड मतलब एकदम कंपैक्टेड बेड होना चाहिए। जो पीसीसी करने से पहले जिस बेड पे पीसीसी होगा वो बेड पूरा कंपैक्टेड होना चाहिए। कंपैक्ट करने के बाद उसमें वाटरिंग करने के बाद, और पीसीसी करने से पहले उस पे जो है थोड़ा थोड़ा वाटर का स्प्रिंकलिंग कर दिया जाता है ताकि जो है पीसीसी में क्रैक्स ना आए। क्या होगा कि पीसीसी अगर जो नीचे का सरफेस है वो सोयल है, और सोयल में क्या होता है कैपिलरी एक्शन ज़्यादा रहता है, जिससे क्या होता है कि वो पानी को ज़्यादा मतलब एब्जॉर्ब करता है। तो जो अपना पीसीसी करेंगे पीसीसी का जो वाटर कंटेंट होगा उसको वो एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसके क्या होगा कि उसमें डिहाइड्रेशन जो है जल्दी हो जाएगा और वो क्या है कि क्रैक्स उसमें आ जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि अपन जब भी पीसीसी स्टार्ट करते हैं उससे पहले उसमें थोड़ा सा वाटर का स्प्रिंकलिंग कर दिया जाता है ताकि पीसीसी जो है वो अपना क्रैक्स ना हो। फिर उसके बाद क्या होता है, ये करने के बाद अपन पीसीसी मटेरियल जो M15 इसमें बोला गया है, M15 का मटेरियल बुलाएंगे, और फिर चारों तरफ जो है अपन फ्रेम जो 150 का जो है शटरिंग कर देंगे, 150 का चैनल वगैरह लगा दिया जाता है। चैनल लगा देने के बाद जो है उसमें पीसीसी करते हैं 150 mm का प्रॉपरली, और पीसीसी हो जाने के बाद फिर एक दिन के बाद उसमें क्यूरिंग करते हैं, और क्यूरिंग 7 दिन तक कंपलसरी करना ही करना है। और जैसे पीसीसी हो जाता है फिर उसके बाद जो है अपना रेनफोर्समेंट का काम स्टार्ट होता है। अब इसमें जो है राफ्ट डलना स्टार्ट होगा, तो राफ्ट डलने के लिए हमको रेनफोर्समेंट जो है रेनफोर्समेंट डालना पड़ता है। अब देखिए रेनफोर्समेंट आपको जो है ये ड्राइंग से ही मिलेगा, ये है यहाँ पे रेनफोर्समेंट डिटेल दिया गया है। अब रेनफोर्समेंट डिटेल जो है यहाँ पे इसको अब समझना है आपको। अब रेनफोर्समेंट डिटेल समझ के उसी अकॉर्डिंगली, इसी जो ड्राइंग के अकॉर्डिंगली जो है स्टील का कटिंग और बाइंडिंग स्टार्ट किया जाता है। स्टील का कटिंग और बाइंडिंग स्टील यार्ड में या वहीं पे साइड पे प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ करवाया जाता है, और फिर जब कटिंग और बाइंडिंग का काम हो जाता है फिर हम स्टील फिक्सिंग का काम करते हैं। फिर स्टील फिक्सिंग किया जाता है, स्टील फिक्सिंग करने के बाद फिर स्टील को फिक्स करते हैं, उसको टाई करते हैं। टाई हो जाने के बाद और फिक्स हो जाने के बाद फिर जो भी हमारे अथॉरिटी है, जो भी हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट से उसको चेक करवा लिया जाता है कि एज़ पर ड्राइंग जो भी ड्राइंग में दिया गया है, जो स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए बोला गया है, जो नंबर्स डालना था, जो डाया बार डालना था उसी रिस्पेक्ट में सारे डला है, वो चेक हो जाने के बाद और ओके हो जाने के बाद फिर उसमें क्या होता है कि कंक्रीटिंग कर सकते हैं। राफ्ट का कंक्रीटिंग हो जाता होने के लिए वो रेडी हो जाता है। तो राफ्ट का कंक्रीटिंग करने से पहले क्या करते हैं कि सेंटर में पीसीसी करते टाइम ही अपन क्या करते हैं कि जो स्टील होता है, स्टील जो है एक एक मीटर या दो दो मीटर के इंटरवल पे उसमें फिक्स कर देते हैं ताकि उस पर हम लेबल दे सके कि अपने को जो कंक्रीटिंग करना है किस लेवल तक करना है। सेंटर और टो में चारों तरफ एक लेवल प्लेस कर देते हैं कि अपने को यहाँ तक कंक्रीटिंग करना है, ताकि क्या है कि उसमें कंक्रीट का वेस्टेज ना हो, कंक्रीट ज़्यादा ना लगे, इसलिए हम उसमें एक जो है स्टील लगा देते हैं सेंटर में, और टू साइड में भी दो तीन स्टील रहता है, सेंटर में दो तीन स्टील और चारों कोने पे भी रहता है, और वहाँ पे हम लेवल टेप से मार्क कर देते हैं, उसमें टेप लगा देते हैं कि यहाँ तक अपने को कंक्रीट करना है, इससे ऊपर नहीं जाना है। तो कंक्रीट करते टाइम कंक्रीट का वेस्टेज नहीं होगा, प्रॉपरली कंक्रीट होगा, तो इस हिसाब से हम कंक्रीट कर देते हैं। फिर हमारा राफ्ट कंस्ट्रक्ट हो जाता है। फिर राफ्ट कंस्ट्रक्ट होने के बाद जो है ये हॉन्च बार जो है यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा होगा,
ये जो बार है ये हॉर्न्स बार है, ये हर जगह जहाँ पे वॉल और स्लैब का कनेक्शन रहता है, ये अपना है रैफ्ट राफ्ट। ये राफ्ट को अपन बॉटम स्लैब भी बोल सकते हैं, और ये है अपना वॉल। तो ये दोनों का यहाँ पे कनेक्शन है, तो इस कनेक्शन के जगह पे एक जो है अपना हॉर्न्स बार डलता है। तो ये हॉर्न्स बार जो है राफ्ट के टाइम पे ही बार्ड को प्लेस कर देते हैं, और हॉर्न्स जब अपन बॉटम स्लैब या राफ्ट का जो स्टील फिक्सिंग करेंगे तो अपने को वॉल का भी स्टील उसी के साथ फिक्स करना रहता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये इसमें एम्बेडेड है, ये वॉल का जो स्टील है ये इसमें एम्बेडेड है, तो इसको अपने को पहले से ही फिक्स करना होगा, तभी जाके इसमें एम्बेडेड हो सकता है। ऐसा नहीं कि पहले राफ्ट बांध दिए, कंक्रीट कर दिए, फिर ऐसा नहीं करना है। अपने को ये जो है वॉल का सरिया और राफ्ट का सरिया साथ में ही बंधेगा, और साथ साथ में ये हॉर्न्स भी बंध जाएगा। फिर उसके बाद जब हम राफ्ट का कंक्रीटिंग कर लेते हैं, फिर राफ्ट का कंक्रीटिंग करने के बाद जो ये हॉर्न्स यहाँ पे बनाना है, ऐसा इस हॉर्न्स का इतने पार्ट का फिर हम कंक्रीटिंग करते हैं। यहाँ पे हॉर्न्स का प्लेट लगता है और ये वॉल का एक प्लेट लग जाता है, फिर इतने का हम कंक्रीटिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है वॉल का फर्स्ट लिप सेकेंड लिप जो भी अपने को जिस रिस्पेक्ट में अपने पास शटरिंग का अरेंजमेंट है उसी के रिस्पेक्ट में हम शटरिंग लगाते जाते हैं और वॉल का कास्टिंग करते जाते हैं। फिर वॉल कहाँ तक कास्ट करते हैं, इस लेवल तक वॉल को कास्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद रुकना पड़ जाता है। यहाँ भी नहीं, यहाँ जहाँ से ये अपना ब्रैकेट स्टार्ट है वहीं तक कर सकते हैं, उसके बाद रुकना पड़ेगा। फिर क्या होगा, अब इसके बाद अब यहाँ पे अब स्लैब का भी काम स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्लैब का भी स्टील जो है एम्बेडेड है यहाँ पे। स्लैब का जो स्टील आया है आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा दें कि जो स्लैब का ये 8 नंबर स्टील है, ये देखिए, ये यहाँ से 8 नंबर स्टील ऐसे करके यहाँ तक आया है। तो मतलब आपको यहीं तक कंक्रीटिंग करना है वॉल में, फिर रुक जाना है। इसके बाद जो है जो ये वॉल है, ये वॉल स्लैब का जब स्टील फिक्स हो जाएगा, सारा स्टील फिक्स हो जाएगा, फिर ये पर कास्ट हो पाएगा। उससे पहले ये कास्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें जो है स्लैब का जो है स्टील यहाँ तक एम्बेडेड है, ये 8 नंबर दिखा रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान देना रहता है अपने को कि कहाँ पे जाके वॉल का कास्टिंग स्टॉप करना है और स्लैब का जो है रेनफोर्समेंट का काम स्टार्ट करना है। फिर उसके साथ साथ ये जो है, ये पार्ट जो है इसको ब्रैकेट बोलते हैं, ये पार्ट जो है ये ब्रैकेट बोलते हैं। ये ब्रैकेट का यूज़ क्या होता है कि यहाँ पे हम एक अप्रोच स्लैब बनाएंगे जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, तो दोनों साइड, तो इस अप्रोच स्लैब को रेस्ट करने के लिए ये ब्रैकेट बनाया जाता है, ताकि यहाँ पे जो है ना सेटलमेंट ना आए। नहीं तो ब्रिज में क्या होता है, यहाँ पे एक्सकवेशन हुआ रहता है तो यहाँ पे इतना गैप रहता है, और ये गैप को फिल करने के लिए फिल तो कर लेते हैं, लेकिन इसमें प्रॉपर कंपैक्शन नहीं हो पाता है। तो बाय द वे, अगर अच्छे से कंपैक्शन नहीं कर रहे हैं और अगर ये ब्रैकेट नहीं है और यहाँ पे अपन अगर अप्रोच स्लैब बना रहे हैं, तो ये अप्रोच स्लैब ट्रैफिक चलने के बाद ये नीचे हो जाएगा, मतलब ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे दिक्कतें आएंगी। इसलिए ये ब्रैकेट दिया जाता है ताकि यहाँ पे जो है अप्रोच जो है वो सेटलमेंट ना हो, सेटलमेंट होने से रोकने के लिए ये ब्रैकेट दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके फिर ये टॉप स्लैब का भी हॉर्न्स अपन इंसर्ट करते हैं वॉल में ही, और फिर सारे को कास्ट करते हैं। और ये जो हॉर्न्स है, ये हॉर्न्स पार्ट जो है ये स्लैब के साथ कास्ट होता है, जो टॉप हॉर्न्स है इसको टॉप हॉर्न्स बोलते हैं, और जो राफ्ट के साथ जो हॉर्न्स है उसको बॉटम हॉर्न्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ये बॉक्स कलवर्ट का जो है एग्जीक्यूशन का काम किया जाता है। अब इसमें आप सारे चीज़ समझ गए होंगे, बस अब इसमें एक दो चीज़ आपको समझना है। एक तो स्टील को कैसे कटिंग करने के लिए कैसे उसका BBS बनाना है, उसके लिए BBS बनाना रहता है। तो इसमें क्या है कि ये जो ड्राइंग है, यहाँ पे आपको ड्राइंग में ही BBS बना हुआ है, आपको ज़्यादा इसमें वो नहीं करना है, बस इसी को फॉलो करना है, और इसको फॉलो करके आप जो है ईज़िली जो है मतलब कटिंग बैंडिंग करवा सकते हैं स्टील का। इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें सारा दिया गया है। ये M1 है, तो यहाँ पे M1 का इसका लेंथ दिया है कि M1 आपको इतना रखना है। ये M2 है, तो M2 का ये लेंथ दिया गया है, इसमें इतना रखना है। ये M3 है, M2 है, फिर तो M2 ये है। तो अपने को इसमें ये दो बार और इसको ये तीन, इसको दो बार जोड़ना है और इसको एक बार जोड़ना है, तो एक ये 1 नंबर बार का जो है कटिंग लेंथ निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये कटिंग लेंथ दिया है, यहाँ पे नंबर्स दिया है,
तो इस हिसाब से वेट ये सारा इसमें BVS बना है, इसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। अगर ऐसा ड्राइंग आपको मिल जाता है तो आप इजली जो है कटिंग बेंडिंग वाला पार्ट को भी इजली कैलकुलेट कर सकते हो, इजली एग्जीक्यूट करवा सकते हो, दिक्कत नहीं है। जहाँ पे ये नहीं दिया गया है बस स्पेसिंग, और यहाँ से आपको मस्ट इम्पॉर्टेंटली जो देखना है डाया बार और स्पेसिंग, ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को हमेशा केयरफुली ध्यान रखना है कि अपने को किस डाया और किस स्पेसिंग से उसको प्लेसिंग करना है, वो ध्यान रखना रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है, जो अगर जिस ड्राइंग में ये पूरा ऐसा डिटेल नहीं दिया है तो वहाँ पे आपको BVS बनाना होगा। उसके लिए हम आपको BVS बताएंगे कि BVS कैसे बनता है, ठीक है। और इसके बाद जो है इसमें जो है एग्जीक्यूशन के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थे, अब इसमें एक चीज़ और हम बताना भूल गए हैं, वीप होल पाइप। वीप होल पाइप जो है वो क्या होता है, वीप होल पाइप इसमें वीप होल पाइप का इसमें दिखाया नहीं गया है वीप होल पाइप, लेकिन वीप होल पाइप जो है जो अपना वॉल है उस वॉल में जो है हर लिफ्ट में वीप होल पाइप को डालना रहता है। वीप होल पाइप क्या करता है कि जो वॉल के बाहर के तरफ में अगर कुछ भी वाटर लॉगिंग वगैरह हो रहा है तो उसमें वो सिपेज होके वाटर लॉगिंग निकल जाए, उसमें बम्पिंग ना आए, ये सब रीज़न से जो है वीप होल पाइप दिया जाता है। जहाँ भी जो फेस जो है अर्थ से जो वॉल या जो भी स्ट्रक्चर के फेस जो है मिट्टी से कंटेक्ट में रहते हैं वहाँ पे हम वीप होल को प्रोवाइड करते हैं। वीप होल को हम और भी अच्छे से आपको वीडियो में जो है या उसको फ़ोटो पे हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसका जो प्लेसमेंट रहता है वो प्लेसमेंट जो दिया गया है वो हम एक बार दिखा दें कि उसको प्लेस कैसे करना है। सपोज़ ये आपका एक वॉल है, ये आपका वॉल है, ठीक है। अब इसमें आपका ये ग्राउंड लेवल ये है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है ना, ये ग्राउंड लेवल दिखाया है, तो ग्राउंड लेवल ये है। तो इस ग्राउंड लेवल से 500 ऊपर, मतलब 500 ऊपर यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से अपने को जो है इसमें अब वीप होल डालना है, तो जो आउटर वॉल से 1 मीटर छोड़ के एक डालेंगे, फिर यहाँ से भी एक दूसरे के बीच में एक एक मीटर का गैपिंग रहना चाहिए, ऐसे करके इस रो में पूरे में डाल दिए। अब जो है फिर अब इसके ऊपर भी डालना है, तो इसके ऊपर जो भी है 1 मीटर का जो है आपको डिस्टेंस डालना है, तो वहाँ पे कैसे डालना है, जस्ट ऊपर नहीं डालना है, जैसे कि ये दोनों के बीच में डलेगा, जैसे कि यहाँ डलेगा, ये दोनों के बीच में 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 यहाँ डलेगा, मतलब आमने सामने नहीं डलेगा, इसके स्कैटर्ड वे में डलेगा, इसको बोलते हैं स्कैटर्ड वे बोलते हैं, ये ऐसा स्कैटर्ड रहेगा, मतलब एक दूसरे के सामने सामने नहीं डलता है, इस प्रोसेस को स्कैटर्ड वे बोलते हैं। फिर ऐसे ही ऊपर डलना है तो यहाँ डलेगा, यहाँ डलेगा, यहाँ डलेगा, यहाँ डलेगा, यहाँ डलेगा, यहाँ डलेगा, मतलब अब फिर ये जो है आपको यहाँ भी देख सकते हैं, ये ऐसा स्कैटर्ड वे में डला है, एक दूसरे के अपोजिट में नहीं डलता है, ये आपको समझना है। तो ये वीप होल का प्लेसिंग रहता है। इसमें जो भी डाया इसमें दिया गया है 100, इसका जो 100 mm का PVC पाइप है इसमें ये लिखा गया है, वो सारे ड्राइंग में आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये PVC पाइप 100 mm का दिया गया है, स्कैटर्ड मैनर में इसको डालना रहता है। तो इस रिस्पेक्ट में जो है आपको कोई भी बॉक्स कलवर्ट का एग्जीक्यूशन है आप इजीली इसी प्रोसेस से, इसी स्टेप से करवा सकते हैं। उसके बाद जब अपना स्लैब का कास्टिंग हो जाता है, फिर स्लैब कास्टिंग के बाद जो है अपने को जो कर्व कास्ट होता है, कर्व मतलब कौन सा कर्व, कर्व यहाँ पे दिख रहा है, कर्व हम आपको दिखा दें, ये जो ये पार्ट दिख रहा है ये कर्व है, इसको कर्व बोलते हैं। कर्व के ऊपर जो है RCC रेलिंग बनता है। तो RCC रेलिंग के लिए क्या होता है कि RCC उसमें जो रेलिंग का जो एक पोस्ट होता है और एक रेलिंग होता है, तो पोस्ट को तो वहीं पे साइट पे ही बनाना पड़ेगा, लेकिन रेलिंग जो बनता है ना वो अपन प्रीकास्ट करके लाते हैं, वहाँ पे पोस्ट के साथ उसको एम्बेड करके कंक्रीटिंग कर देते हैं, तो वो रेलिंग बन जाता है। उसका भी हम देखते हैं, अगर हमको कहीं पे ऐसा बनता हुआ दिखेगा या फोटो है मेरे पास तो वो फ़ोटो के थ्रू हम एक्सप्लेन करके आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कोई भी बॉक्स कलवर्ट RCC स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर जब बन जाने के बाद और भी चीज़ें इसमें बनता है, जैसे कि एक अप्रोच स्लैब हो गया, अप्रोच स्लैब के बाद उसके ऊपर बेयरिंग कोट डलता है, जैसे कि इसमें M35
का जो है M35 कंक्रीट, RCC M30 M35 नहीं सॉरी M30 को यूज़ करके इसमें जो है अपने को वेयरिंग कोट करना है। उसके बाद जो है इसमें फ़िल्टर मीडिया डालना रहता है, जिस साइड अपन जहाँ पे अपन वी फोल्ड डालते हैं ना, वी फोल्ड के जस्ट वॉल के साइड में वहाँ पे जो है फ़िल्टर मीडिया भी डालना रहता है। फिर बैक फिलिंग करते हैं, फिर बैक फिलिंग करने के बाद उसके ऊपर जो है PCC करते हैं। PCC करने के बाद वहाँ पे अप्रोच स्लैब बनाते हैं और साथ साथ रिटेनिंग वॉल भी बनता है, जो कि यहाँ पे ये रिटेनिंग वॉल का एक यहाँ पे ड्राइंग आपको दिख रहा होगा, ये रिटेनिंग वॉल भी बनता है। और रिटेनिंग वॉल कहाँ बनता है ये बता दें, ये देखिए बॉक्स के इधर साइड और इधर साइड, ये 3500 mm इसमें दिया गया है, ये चारों कोने पे बनेगा ये रिटेनिंग वॉल, ठीक है। तो इसके बाद जो है अपने को ये बन जाने के बाद फिर इसमें कर्टन वॉल बनता है। कर्टन वॉल हम आपको बता दें कहाँ रहता है, तो ये हो गया एक डाउन, ये है हो गया डाउन स्ट्रीम का कर्टन वॉल और ये हो गया अप स्ट्रीम का कर्टन वॉल। ये क्या होता है कि जो वाटर इसमें आएगा तो वाटर जो है इसका फाउंडेशन में डायरेक्ट कोई प्रेशर ना प्रोवाइड करे, इसलिए पहले एक यहाँ पे कर्टन जो है, जो एक पर्दा, जो इसको कर्टन को पर्दा ही बोलते हैं, या एक प्रोटेक्टिव लेयर या प्रोटेक्टिव वॉल जो है वो हम यहाँ पे पहले से प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि जब भी इसमें वाटर का फ्लो हो तो जो अपना फाउंडेशन है, जो इसमें राफ्ट फाउंडेशन रहता है, ये फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन को जो है इसमें जो वाटर फ्लो है उसका प्रेशर, इसको कोई प्रेशर ना आए इसके लिए ये कर्टन वॉल प्रोवाइड किया जाता है, और जिससे कि हमारा फाउंडेशन जो है सेफ रहेगा, ये जो है कभी भी डिस्प्लेस नहीं होगा, डिसबैलेंस नहीं होगा, इस वजह से जो है ये कर्टन वॉल प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह से फिर कर्टन वॉल प्रोवाइड करते हैं, फिर इसके बीच में भी गैप्स आ जाएंगे, तो इस गैप्स को भी फिल करके, ये जो गैप है ये गैप को भी अच्छे से फिल करके इसमें स्टोन पीचिंग M15 का कंक्रीटिंग वगैरह करके यहाँ पे एप्रोन बनाया जाता है, इसको एप्रोन बोलते हैं। और एप्रोन में यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लोर एप्रोन यहाँ पे लिखा हुआ है, 450 mm फ्लोर एप्रोन। ये एप्रोन में भी एक फ्लेक्सिबल एप्रोन होता है और एक रिजिड एप्रोन होता है। फ्लेक्सिबल एप्रोन में हम क्या करते हैं कि M15 के साथ प्लम कंक्रीट भी एक होता है ना, जैसे कि अपन बोल्डर और कंक्रीट को दोनों को मिक्स करके कंक्रीटिंग करते हैं, तो वैसे को फ्लेक्सिबल एप्रोन बोलेंगे। और रिजिड एप्रोन के लिए मतलब पूरे कंक्रीट ही, पूरा कंक्रीट का यूज़ करेंगे तो वो रिजिड एप्रोन हो जाता है। तो इस तरह से एप्रोन भी बन जाता है, ताकि जो अपना फाउंडेशन है उस फाउंडेशन में जो वाटर फ्लो के वजह से कोई भी उसमें नुकसान ना हो, कोई भी उसको प्रेशर ना हो, वहाँ तक वाटर का फ्लो ना पहुँचे, वाटर फ्लो का प्रेशर ना पहुँचे वहाँ तक, इसके वजह से ये कर्टन वॉल को दिया जाता है। तो इस तरह से जो है एक बॉक्स कलवर्ट को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। और इसमें एक चीज़ और बता दें कि इसमें एक ड्रेनेज स्पॉट होता है, ड्रेनेज स्पॉट जो होता है उसको भी हम दिखा दें आपको। ये टॉप स्लैब में इसको यूज़ किया जाता है, ये जो आपको दिख रहा है और ये जो दिख रहा है ये अपना ड्रेनेज स्पॉट है, और यहाँ से जो भी वाटर अगर रेनी सीजन में यहाँ पे आ रहा है तो इससे जो है ये फ्लो होके जो है नीचे की तरफ चले जाएगा, सरफेस के ऊपर वाटर नहीं रहेगा, तो इसके लिए ये जो है अपने को ड्रेनेज स्पॉट का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आप जो है कोई भी बॉक्स कलवर्ट का जो है एग्जीक्यूशन ईजिली करवा सकते हैं। अब इसमें आपको दो चीज़ ही बच गया है, एक बच गया है कि क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और क्वांटिटी कैलकुलेट करने के बाद जो है आपको दूसरा जो है वो है कि हम बार बेंडिंग शेड्यूल जो है इसका, स्टील कटिंग बाइंडिंग के लिए जो बार बेंडिंग शेड्यूल यूज़ होता है, जो अपने को बनाना रहता है, वो कैसे बनाना है, ये दो चीज़ पे हम आगे डिस्कस करेंगे और आगे अच्छे तरीके से वो बताएंगे आपको कि हम राफ्ट स्लैब और वॉल का जो है स्टील का जो है कटिंग और बेंडिंग कैसे करेंगे, उस कटिंग और बेंडिंग के लिए PVS कैसे बनाएंगे, ठीक है। अगर इस ड्राइंग से रिलेट करें अगर, तो इस ड्राइंग में तो सारे दिया गया है, BBS पहले से बना हुआ है, लेकिन आपको मैक्सिमम जगह पे आपको ऐसा ड्राइंग नहीं मिलेगा जिसमें कि BBS बना रहे, उसमें बस आपको बार का शेप दिया गया रहेगा, उसका बार का जो है कोड या बार का नंबर दिया गया रहेगा, उसके बाद उसका स्टील का जो है डाया दिया गया रहेगा, और उसके साथ स्पेसिंग, बस इतना ही चीज़ रहेगा। इसके बाद आपको खुद से कैलकुलेट करना है, खुद से उसका वेट निकालना है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग के वीडियोस। अगर आपको देखने हैं सिविल इंजीनियरिंग के जो वर्क हैं उसको सीखने और समझने हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जो है सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स हैं उनके रिलेटेड सारे चीज़ मिलेंगे आपको यहाँ पे। एग्जीक्यूशन प्रोसेस, डिज़ाइन ड्राइंग के रिलेटेड, रोड हाईवे स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग सारे चीज़ों का यहाँ पे आपको जो है एग्जीक्यूशन कैसे करवाया जाता है वो बेसिकली यहाँ पे इस चैनल पे आपको मिलेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।